गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? अब तो बेटा आपका ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गया है और ऑफलाइन मैक्सिमम बच्चे आ भी रहे हैं, लेकिन बेटा आप चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, अपना बेस्ट करो, अपनी स्टडी से कभी कंप्रोमाइज़ मत करो। और ऑफलाइन आ रहे तो थोड़ा अपना ध्यान भी रखना है, थोड़ी प्रिकॉशंस भी आपको लेनी है, किसी को टच नहीं करना है, किसी से खाना वगैरह शेयर नहीं करना, और दूसरा मौसम भी अभी फ्लैक्चुएट कर रहा है तो इस वजह से आपको बहुत अलर्ट रहना है ताकि आप आराम से पढ़ सको। चलो, अब हमने लास्ट टाइम कौन सा लेसन किया था? वी हैव डन फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के बारे में मेनली मैंने आपको क्या बताया था? फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिज द मोशन, मीन्स ये मोशन को अपोज करता है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि वैसे हम चल रहे हैं, मैं ऐसे चल रही हूँ, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है। तो इट ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन और इट ऑलवेज अपोजिज द मोशन, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी? इट कैन बी मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ये मैंने आपको दिखाया भी था, जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं उनको भी बताया था, बुक में भी अच्छी तरह से दिखाया था। तो स्प्रिंग बैलेंस मैंने आपको दिखाया था, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन डिपेंड ऑन इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस। जितना ज़्यादा इरेगुलर होगा सरफेस, उतना ही हमारा फ्रिक्शन होगा। और मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी मतलब रफ सरफेस है उसमें ज़्यादा इरेगुलरिटीज होती है, और जो स्मूथ सरफेस है उसमें कंपेरेटिवली कम इरेगुलरिटी होती है। तो इरेगुलरिटी जो है, वैसे कोई भी जो सरफेस है हमारा 100% स्मूथ नहीं है। कितना भी स्मूथ सरफेस क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी जरूर होगी ही होगी। तो फ्रिक्शन डिपेंड इन इंटरलॉकिंग एंड इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस। इसके बाद मैंने आपको फ्रिक्शन की इम्पोर्टेंस बताई थी, बताया था वी कैन राइट ऑन पेपर एंड ऑन पेपर विद अ पेन ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम नहीं लिख पाएंगे। यू कैन मेक ब्यूटीफुल ड्राइंग्स विद मतलब किसकी वजह से, वो भी फ्रिक्शन। दूसरा वी कैन वॉक, हम कैसे चलते हैं फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन हमें मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भले होता है, लेकिन वो हमें पुश करता है कि हम आगे की तरफ बढ़े। तो हम जो चलते हैं वो भी किसकी वजह से चलते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। इसके अलावा मैंने बताया था फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल। कैसे? जैसा कि मैंने बताया कि हम पेपर पे लिखना, वॉक करना, या ड्राइंग बनाना, या वी कैन होल्ड एनी थिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। लेकिन दूसरा, इसके कुछ नुकसान भी थे। नुकसान क्या थे? जैसे हम जो शूज़ पहनते हैं उसमें सोल होते हैं, कुछ टाइम बाद जब हम लगातार चलते हैं, मतलब काफ़ी टाइम तक, एक साल या दो साल हम बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो उसके जो सोल हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, और इसके बाद हम उस पर स्लिप कर सकते हैं। स्लिप क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम उसमें फ्रिक्शन नहीं रह जाता, फ्रिक्शन की वजह से बिल्कुल घिस जाते हैं, तो इस वजह से हम स्लिप कर सकते हैं। दूसरा, ग्रूव्स ऑफ टायर। ये भी मैंने आपको बोर्ड पे बना के बताया था कि जो टायर हैं उसमें जो ग्रूव्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, तो करीब 8 या 10 साल बाद वो भी फ्लैट हो जाते हैं, और इसके बाद ट्रक, कार या स्कूटर मूव नहीं कर पाता। हमें वो टायर या जो भी हैं वो चेंज करवाने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वो घिस जाते हैं। तो आपको पता ना why सोल आर मेड इन शूज एंड why ग्रूव आर मेड इन ट्रक और टायर्स ऑफ ट्रक, बम, स्कूटर, ये जो भी हैं, तो इसका बेटा सेम आंसर है। दूसरा, जो फ्रिक्शन है इससे हम अपनी ग्रिप बनाते हैं। आपने कबड्डी प्लेयर को देखा होगा, कबड्डी प्लेयर क्या करते हैं कि हमेशा यूँ अपना थोड़ा सा हाथ पे मिट्टी लगाते हैं। मिट्टी क्यों लगाते हैं? ताकि जो उसका अपोनेंट्स हैं, जो उसका अपोजिट ये है प्लेयर है, उसमें अपनी ग्रिप को वो मजबूत बना सके, इसलिए वो उस पर क्या लगाते हैं? मिट्टी। दूसरा, आपने देखा होगा, अब एक चीज़ है कि हम लोग इसको हैंडल भी कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस और इंक्रीज द फ्रिक्शन, ये भी हमारा होता है। अब जैसे क्या होता है, आप कैरम बोर्ड खेलते हो, कैरम बोर्ड खेलते हुए कुछ कई बार ऐसा आता है कि आप बिल्कुल भी मतलब उसमें जो स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हो तो जो गोटी है वो बिल्कुल भी नहीं जाती। क्यों? अगेन, फ्रिक्शन इतना जीरो हो जाता, मतलब फ्रिक्शन इतना कम हो जाता है कि वो गोटी पे हमें हिट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करते हैं, वी स्प्रिंकल सम पाउडर, हम पाउडर डालते हैं, तो इससे क्या होता है, जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, और इस वजह से हम
बड़े आराम से अपना प्लेइंग जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। हम लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। लुब्रिकेंट्स क्या होता है, दैट रिड्यूस द फ्रिक्शन। और लुब्रिकेंट्स में मैंने आपको मेनली क्या बताया था, ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट। अब क्या होता है, वैसे तो ऑयल और ग्रीस क्या होता है, आप एक काग पैन वो गिलास है, आप उसको बड़े आराम से होल्ड करके पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर हम एक ऑयल ग्रीस इसकी लेयर लगा दें तो क्या होगा, वी कैन नॉट होल्ड इट। तो ऑयल ग्रीस और उसमें क्या होता है, जो मशीन के पार्ट्स में हम यूज़ करते हैं टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब क्या होता है, अगर ऑयल मशीन के पार्ट्स हैं जो आपस में रब करते हैं और रब करने से उनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रिक्शन जो है इट प्रोड्यूस हीट, और जो हीट होती है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो मैक्स एनर्जी है मेनली हमारी वेस्ट जाती है, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है तो उससे भी कई बार हमारे जो रबिंग से हमारे इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल ग्रीस इसकी कोई एक लेयर लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो मशीन के पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से बच जाते हैं, वो एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते। और एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तो उनमें रबिंग भी नहीं होगी, और रबिंग नहीं होगी तो उसमें फ्रिक्शन भी नहीं होगा। तो इस तरह से ऑयल, ग्रेफाइट या ग्रीस यूज़ करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको मेनली बताया था रोलिंग फ्रिक्शन, मीन्स कि रोल या व्हील्स की वजह से जो फ्रिक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। अब आपने मोस्टली देखा होगा कि आप कहीं जाते हो तो लगेज आप भरते हो सूटकेस में या बैग में तो काफ़ी हैवी हो जाता है, उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, मतलब ऐसे इतना हैवी लगेज उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या करते हो, उसमें व्हील्स लगा लेते हो। आजकल मिलते हैं ना मार्केट में व्हील्स वाले सूटकेस, बहुत बड़े बड़े, उनमें आप कितना भी सामान भर लो, या बैग मिलते हैं तो उसमें व्हील्स लगे होते हैं। तो क्या होता है कि आप उसमें जितना भी सामान भरो इसके बाद वो इतना हल्का हो जाता है, क्योंकि उसका फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद वो इतना हल्का हो जाता है, मतलब व्हील लगाने से, कि इवन एक बच्चा वो भी उसको ड्रैग कर सकता है, अदरवाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रैग, ठीक है। और रोलिंग फ्रिक्शन कब क्रिएट होता है, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस टू इट मोशन इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। अब जो रोलिंग है इट रिड्यूस फ्रिक्शन, इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी। अगर हम किसी को किसी चीज़ पे व्हील लगे उसको हम खींच लेंगे बड़े आराम से, लेकिन अगर किसी चीज़ को, अब जैसे ये ही है, इसको स्लाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, स्लाइड किसी बॉडी को स्लाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा और रोल करना थोड़ा आसान होगा, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि व्हील क्यों वो करते हैं, क्योंकि हम बड़े आराम से उसको रोल कर सकते हैं, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन इट इज़ स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेरिंग। आपने देखा होगा आपका साइकिल्स है उसमें भी आप बॉल बेरिंग यूज करते हैं, क्यों, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, और उसमें ग्रीस भी देते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ बॉल बेरिंग बिटवीन हब्स एंड एक्सल ऑफ सीलिंग फैन और बाइसिकल, इनमें भी हम रोलिंग मतलब बॉल बेरिंग यूज़ करते हैं। इसके बाद है फ्रिक्शन इन फ्लूइड। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड। और फ्लूइड में मेनली हमारे क्या क्या आते हैं, एक तो वाटर भी नहीं बल्कि लिक्विड, क्योंकि कोई भी लिक्विड है वो फ्लो कर सकता है। तो एक तो आएगा हमारा लिक्विड और दूसरा हमारी क्या आएंगी गैसेज, तो ये दोनों ये फ्लो कर सकते हैं, दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड एज फ्लूइड। और जो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि फ्लूइड से एग्जर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं ड्रैग। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रैग इज द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड्स को वो करने के लिए जो हम करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ड्रैग। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द स्पीड, स्पीड पे डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। जैसे मान लो क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हम पानी में उसको स्विम करवाएं तो इट विल बी इजी, लेकिन इसको हम हनी में या ऑयल में या किसी और लिक्विड में फ्लो करवाएं तो क्या वो इतनी ही स्पीड से फ्लो करेगी,
तो मींस कि कितना विस्कस है, कोई भी लिक्विड कितना विस्कस है उस पे सब्सटेंस की स्पीड डिपेंड करती है। द फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो इसकी शेप पे भी वो करता है, डिपेंड करता है। हैव यू सीन बर्ड्स या फिश, कैसी बॉडी होती है उनकी, उनकी बॉडी देखो पहले शुरू में थोड़ी सी इस तरह से नैरो होती है, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है और इसके बाद अगेन पॉइंटेड, मतलब पहले पॉइंटेड होती है फिर थोड़ी ब्रॉड होती है और इसके बाद दोबारा पॉइंटेड हो जाती है। आपने देखी है फिश, उसकी बॉडी ऐसी होती है, इसी तरह बर्ड्स, बर्ड्स की बॉडी भी ऐसी होती है। तो दिस शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब हमें स्पेशल डिजाइन करते हैं ताकि वो फ्लूड में बड़े आराम से अपनी स्पीड को मेंटेन रख सकें। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी ये जो मेनली किस किस की होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी क्यों बनाए जाते हैं, टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय फ्लूड, ठीक है, फ्लूड जो भी हमारा फ्रिक्शन वो करता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रीम, मतलब जो तो उसको ओवरकम करने के लिए जो शेप हम करते हैं दैट इज कॉल्ड है स्ट्रीमलाइन बॉडी। फिश है, बर्ड्स है, बर्ड्स की भी ऐसी होती है ना, पहले बीक होती है, बीक के बाद फिर वो ब्रॉड हो जाता है और अगेन जब उसकी पूंछ की साइड वो थोड़ा पॉइंटेड हो जाता है, तो उनका तो नेचुरल है बॉडी क्योंकि इट इज प्रोवाइडेड बाय नेचर, नेचर ने इस तरह की बॉडी उनको दी है। बर्ड्स है, बर्ड्स को एयर में फ्लाई करना होता है, तो एयर में एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ओवरकम टू ओवरकम फ्रिक्शन दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। अगेन फिश, फिश को किसमें फ्लो करना है, फिश को किसमें स्विम करना होता है, वाटर में, तो वाटर में उनको स्विम करना होता है, तो टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय वाटर दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो इन दोनों की आपकी क्या होती है, नेचुरल। और एरोप्लेन, एरोप्लेन की भी अगर देखें तो बर्ड्स की तरह होती है, और एरोप्लेन भी पहले आपका थोड़ा ये नैरो होता है, मतलब पॉइंटेड, फिर ब्रॉड और अगेन उसकी जस्ट लाइक फिश इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, देखा है ना। तो ये भी ये हमने बना दिया, क्यों, क्योंकि हमें पता है एरोप्लेन को किस में चलना है, एयर में, तो एयर जो फ्रिक्शन ऑफर करेगा या गैसें जो फ्रिक्शन ऑफर करेंगी उनको ओवरकम करने के लिए हमने एरोप्लेन की बॉडी कैसी बनाई है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। अगेन बोट या शिप, उनकी भी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, क्यों, क्योंकि उनको पानी में चलना है और पानी में चलने के लिए उनको फ्रिक्शन ऑफर करेगा फ्लूड यानी कि वाटर, तो उसको ओवरकम करने के लिए दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब देखो आपके पेज में लिखा है, इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम, इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, क्योंकि जो फ्रिक्शन उनको ऑफर करेगा उसमें वो क्या लूज करेंगे, एनर्जी, तो एनर्जी यूज करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, ना वो उड़ पाएंगे ना वो स्विम कर पाएंगे, तो एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, यानी हम उनका फ्रिक्शन है उसको हम मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, वी हैव गिवन देम अ स्पेशल शेप, और ये शेप कौन सी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। आपके एनसीईआरटी में स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं लिखा हुआ है, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख लो। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिट फ्रॉम दिस स्पेशल, अब मैंने बताया कि नेचर, नेचर में क्या होता है, आपका बर्ड्स है या फिश है उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, तो साइंटिस्ट ने यहीं से हिंट लिया और यहीं से हिंट लेने के बाद उन्होंने एरोप्लेन या बोट की स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाई ताकि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं, हम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हम जिसको ज़्यादा कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन है इट कैन बी यूज, इट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। एक तो आप बेटा ये बात बड़े ध्यान से याद रखना कि फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय लुब्रिकेंट्स, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, और लुब्रिकेंट्स में मैंने ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट ये बताया। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अगर हम फ्रिक्शन को रिड्यूस नहीं करेंगे तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगी, और एनर्जी लूज होने की वजह से हम फिर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो बर्ड्स और फिश की हमारी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी।
इसके साथ ही बेटा आपका ये चैप्टर ओवर हुआ। ऑफलाइन में मैं आपको समझा रही हूँ, ऑनलाइन भी आपकी पैरेलल चल रही है। तो बेटा आप ये चैप्टर रीड करके उसको अंडरलाइन, जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको अंडरलाइन जरूर किया करो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आके पूछो, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चों, ठीक है, टेक केयर।